नमस्कार, बहुत स्वागत है। फाइनली लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर अतिथि शिक्षकों की 2024-25 पर ज्वाइनिंग कराने को लेकर संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है। कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं, तारीखें तो पूरी ही बदल दी गई है। तो 1 से 7 तक जो ज्वाइनिंग अतिथि शिक्षकों की स्कूलों पर होनी थी, अब वह 7 से 12 तक होंगी। साथ ही नए वाले जो अतिथि शिक्षक है, वह कब से आवेदन कर सकेंगे, यह चीज हम यहां पर आपको बताएंगे। साथ ही अगर आपने आदेश को देख लिया है, फिर भी आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को एक बार जरूर देख लें। 7-8 मिनट का वीडियो रहे और इसको देखने के बाद आप सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, किसी से आपको पूछने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतिथि शिक्षक किस प्रकार से ज्वाइनिंग लेटर निकाल करके वहां पर ले जाएंगे, और GFMS पोर्टल जो चालू हो गया है, अभी मेंटेनेंस के कारण बंद था, उस पर रिक्तियां जो है किस प्रकार से अभी नहीं दिख रही लेकिन काल से दिखेंगी, तो आपको किस प्रकार से क्या काम करना है, आदेश के माध्यम से हम पूरा क्लियर करने की कोशिश आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे। आखिरकार मध्य प्रदेश में लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से फाइनली नया आदेश जारी किया गया 24-25 पर अतिथि शिक्षकों की स्कूलों पर ज्वाइनिंग को लेकर। आपने आदेश देख लिया होगा, लेकिन निवेदन रहेगा इसको एक बार और देख लें, ताकि आपके जो चीज़ डाउट में है वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 5/8/2024 का आदेश आप देख रहे हैं, ऑफिशियल नंबर है, DPI का आदेश है। यह आदेश सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी और सभी संकुल प्राचार्य, प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरियों के लिए जारी किया गया है। संकुल प्राचार्यों के लिए यहाँ पर देखिए बताया, संकुल प्राचार्य हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए है। और यहाँ पर आप देखेंगे शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के बारे में। इसके पहले हालांकि आदेश जारी किया गया, आज का आदेश भी आप देख लिए होंगे, संदर्भ वही है पुराने, लेकिन यहां पर 24/7/2024 का आदेश है और 4/7/2019 का आदेश है। इन दो आदेशों के तहत वर्तमान में नियुक्तियां होंगी। तो आपको बताएंगे कि ये 4/7/2019 के आदेश में क्यों लिया गया है, क्योंकि उसमें विस्तृत नियम बताए हुए हैं अतिथि शिक्षकों को रखने के, और 24 वाला आदेश जो पहले आया था जिसके कारण पोर्टल बंद हुआ और उसको जगह ये नया आदेश जारी किया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उपरोक्त संदर्भित पत्र 1 अनुसार सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 24-25 हेतु शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप संचालन हेतु विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल पर मेंटेनेंस के कारण उक्त तिथियों को परिवर्तन करते हुए निम्नानुसार समय सारणी अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। तो यहाँ पर देखिए जो पहले वाला था 1 से 8 तक उसकी फीडिंग वगैरह थी, 1 से 7 गेस्ट के लिए थी और 1 से 8 जो है जो स्कूल के प्रचार हैं उनके द्वारा वेरीफाई करने की तारीख थी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप जो नया टाइम टेबल है उसमें संशोधन किया गया है। पहला स्टेप पुराने के लिए रखा गया है, जैसे कि शैक्षणिक सत्र 23-24 में जो अतिथि शिक्षक, जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया और पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे हैं वर्तमान में, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्ति जो है 6 तारीख से आएगी। अभी आप खोल रहे हैं, आपको कोई भी पद वगैरह नहीं दिखा होगा, तो यहाँ पर 6 तारीख से यानी यहाँ पर कल से यह पोर्टल चालू हो जाएगा। अब बात यह है कल कितने बजे से होगा, तो उम्मीद है मेरे हिसाब से कि 11 बजे के बाद ही यह जो है रिक्त वगैरह काम जो है सो होगा, क्योंकि आज काम हुआ होगा, अगर बचा होगा तो कल, अगर आज ही पूरा हो जाता है तो 12 बजे रात से यहाँ पर सो होने लगेगा। उम्मीद यही है कि कल 10-11 बजे तक एग्जैक्ट रिक्तियाँ GFMS पोर्टल पर जारी की जाएंगी। फिर यहाँ पर दूसरा बिंदु है कि अतिथि शिक्षक के द्वारा GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना और शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की प्रति को पोर्टल पर अपलोड करना, तो ये वाला काम जो है खुद से करना है अतिथि शिक्षकों को जो पुराने थे 2023-24 के, तो उनको क्या करना है कि अपनी लॉगिन आईडी पर अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद ज्वाइनिंग मैनेजमेंट वाले में ओके करेंगे, वहाँ पर अभी लिंक प्रोवाइड नहीं है, लिंक आ जाएगी और उस लिंक के माध्यम से 2 प्रति में आपको ज्वाइनिंग लेटर निकालना है, उसको लेके विद्यालय जाना है। तो यहाँ पर देखिए ये काम करना है 7 तारीख से, 7/8/2024 से 12/8/2024 तक।
7/8/2024 से 12/8/2024 तक ये काम करना है, और इस काम के दौरान ही आपकी ज्वाइनिंग स्कूलों पर हो जाएगी। यानी जो ज्वाइनिंग लेटर आपका निकल आया, समझिए आप वहाँ लेके जाएंगे विद्यालय पर, उसको जमा करेंगे, जमा करने के बाद आपको एक प्रेस देंगे, उसका वेरीफाइड करेंगे उसको लोड करने के बाद, और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी विद्यालय में। आप ऊपर है कि आप 7 को जाते हैं 8 को जाते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको 12 के अंदर ही कर लेना है। फिर तीसरा है कि शाला प्रभारी द्वारा जेफएमएस पोर्टल पर ज्वाइन किए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण, तो ये 7 तारीख से 12 तारीख यानी उसी दौरान है, 7 से 12 के बीच। यानी जैसे जैसे स्कूल अतिथि शिक्षक अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके जाते जाएंगे और यह प्रक्रिया चलती रहेगी। उम्मीद है इस बार जेफएमएस पोर्टल पर कोई भी टेक्निकल इरर नहीं आएगी, कोई भी गड़बड़ी नहीं आएगी, और यहाँ पर अतिथि शिक्षकों का ज्वाइनिंग अच्छे से हो जाएगा। ये वाला जो कॉलम है ये पूरा पुराना ही है, तारीख बस नई यहाँ पर ऐड की गई है, और यहाँ पर ये पुराने के लिए है, नए वालों के लिए एक अलग से बिंदु इसमें जोड़ा गया है। यहाँ पर आप स्पष्ट देखेंगे, ऐसे विद्यालय जहाँ नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए अनुपलब्ध है, ऐसे विद्यालयों हेतु नियमित शिक्षक के विरुद्ध रिक्ति अपडेशन हेतु जेफएमएस पोर्टल पर की जाने वाली कार्यवाही हेतु समय सारणी है। तो यहाँ पर देखिए ये उनके लिए है जहाँ पर शिक्षक हैं लेकिन वो अटैचमेंट में कहीं अन्य जगह हैं, या फिर प्राचार्य हैं, उनके पद के विरुद्ध जो अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं, ये उनके लिए यहाँ पर जो तारीख है। पहला स्टेप है संकुल प्राचार्य द्वारा जिसमें पोर्टल पर नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने का कारण और आदेश की प्रति अपलोड करते हुए रिक्वेस्ट करना है पद खोलने के, तो ये काम 7 तारीख से होगा, 7/8/2024 से 8/8/2024 तक, यानी एक दिन का समय 7 का मिलेगा और 8 का मिलेगा, 2 दिन का समय यहाँ पर इनको मिल जाएगा रिक्वेस्ट को भेजने के लिए। साथ ही संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट का परीक्षण किया जाएगा संचालनालय स्तर पर, उसको वहाँ से ओके किया जाएगा। ये 9 तारीख और 10 तारीख यानी 2 दिन के अंदर ये पद खुल जाएंगे, 2 दिन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और 2 दिन के अंदर ही यह परीक्षण करके 9 और 10 तारीख के दौरान ही ये पद यहाँ पर पोर्टल पर दिखने लगेंगे, अभी नहीं दिखेंगे, 9 तारीख को ही यहाँ पर 9 से 10 के बीच में पद दिखेंगे। फिर यहाँ पर देख तीसरा है कि उक्त रिक्तियाँ यदि विगत वर्ष, यहाँ एक चीज़ अच्छी किया है इसमें, ये बदल दी गई है, इसमें पहले वाले आदेश में आपने नहीं देखा होगा, इसमें बदल के दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे कि 3 नंबर पॉइंट की उक्त रिक्तियाँ, यानी ये वाला जो रिक्वेस्ट भेजने वाला है जिसको खोलना है, ये रिक्तियाँ यदि विगत वर्ष से निरंतर हैं, यानी पिछले साल भी अतिथि वहाँ पर काम कर रहे थे तथा गत वर्ष किसी अतिथि शिक्षक को नियमानुसार रखा गया है 2023-24 में, तो ऐसे अतिथि शिक्षक जेफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे, यानी उनके ज्वाइनिंग लेटर निकलेंगे और पद भले ही वह रिक्वेस्ट भेजें लेकिन लेटर निकल आएंगे और वह ज्वाइन कर सकते हैं, और शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो तारीख है 11/8 से 13/8 तक वह ज्वाइन कर सकते हैं, यानी 10 तारीख तक वो रिक्वेस्ट वैसे ही पद खोल देंगे और 11 तारीख से 13 तारीख तक इनके लिए यहाँ पर देर तय की गई है। इसके बाद अंतिम चरण जो है शाला प्रभारी जेफएमएस पोर्टल पर ज्वाइन किए अतिथि शिक्षा का प्रमाणीकरण करेंगे 11/8/24 से 13/8/2024 तक है। तो ये 13 तारीख अंतिम तारीख है, ये पुरानों के लिए है, ये जो पूरा प्रोसीजर बनाया हुआ है ये 12 तारीख और 13 तारीख का, ये पुराने वालों के लिए है जो 2023-24 में काम कर रहे थे। फिर नए वालों के लिए भी बताते हैं, आते हैं वापस। यहाँ पर देखिए नीचे बताया है कि शैक्षणिक सत्र 24-25 हेतु अतिथि शिक्षक के आमंत्रण के संबंध में शेष निर्देश पूर्व में जारी संदर्भित पत्र 1 के अनुसार यथावत रहेंगे, उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, आयुक्त द्वारा अनुमोदित है के द्विवेदी जो कि संचालक हैं DPI के लोक शिक्षण मध्य प्रदेश 5/8/2024 का यह आदेश आप देख रहे हैं जो संशोधित आदेश है। संबंधित तमाम सभी महत्वपूर्ण अधिकारी जिलाधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी प्राचार्यों को लिए यहाँ पर भेज दिया गया है। शाला प्रभारी जो सरकारी स्कूल है स्कूल शिक्षा विभाग के सभी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं भेज दिया गया है। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट ये आदेश है, 2 ही पन्ने का आदेश है, बाकी निर्देश वो संदर्भ पत्र 1 के अनुसार यहाँ पर बताया है। तो 1 वाला जो संदर्भ है वो 24 वाला है, यहाँ पर आप देखेंगे अगर अच्छे से 24 तारीख को जो आदेश आया था तो उसमें
नए वालों के लिए 24 तारीख का जो आदेश है और नए अतिथि शिक्षक जो आवेदन करने की इच्छुक है तो आवेदन कब करेंगे, एक बड़ा सवाल मन में हो जाता है। तो वो आवेदन के लिए उनको बता दें कि आवेदन जब स्कूल का विज्ञापन आएगा उस विज्ञापन में जो तारीख रहेगी उसके अनुसार कर सकते हैं, या तो फिर आप जो है संबंधित यहाँ पर जो पद वहाँ पर दिख रहा है पोर्टल पर जो दिखेगा, पैनल नहीं बना हुआ है तो आप वहाँ डायरेक्ट आवेदन लेके जा सकते हैं और उसकी जो तारीख है वो तारीख यही रहेगी, यानी 12 तारीख के पहले ही आपको जाना है वहाँ पर। ये तारीख ज्वाइनिंग की 12 बताई हुई है, अधिकतम इसको यहाँ पर 13 किया गया है, देख सकते हैं 13 तारीख तक ज्वाइन आदेश इसको प्रमाणीकरण कर देंगे, ये 13 है, ये तारीख अभी बढ़ सकती है, ये आप जानिए ये तारीख अभी बढ़ सकती है क्योंकि बहुत सारी परेशानी होती है अतिथि शिक्षकों के मामले पर, ये बढ़ सकती है लेकिन फिलहाल हमको इसी तारीख पर काम करना है। तो आज की इस वीडियो पर इतना ही हम डाउट आपका क्लियर कर पाए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपके मन में बहुत सारे डाउट है। तो GFMS पोर्टल के बारे में हमारा अगला वीडियो रहने वाला है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी मिल जाए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।